कंपेरिजन बिटवीन टू किंगडम एंड फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मुवाजना दो किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम के दरमियान मुवाजना, टू किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम को पेश किया था कार्लस वीनियस ने 1758 में, और फाइव किंगडम सिस्टम को पेश किया था रॉबर्ट व्हाइटेकर ने 1959 में। और टू किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था टू किंगडम, मतलब कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया था, क्लासिफाई किया गया था सिर्फ दो किंगडम में। फाइव किंगडम सिस्टम में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में डिवाइड किया गया है। और टू किंगडम सिस्टम में किस बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था, उसको गजा की बुनियाद पर और उनकी जो मोटिलिटी है हरकत की बुनियाद पर उनको डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइव किंगडम सिस्टम में उसके सेल की स्ट्रक्चर, सेल की बनावट की बुनियाद पर उसके जिस्म की पेचीदगी, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, मतलब कि उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स उसमें के जिस्म में होते हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, तो उसका मतलब है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये ऑर्गेनिज्म गजा किस तरह लेते हैं, और एवोल्यूशन और इर्तिका किस तरह हुए। एवोल्यूशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में चेंजेस आ जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, कई सौ हज़ारों सालों में जो जिस्म में चेंजेस आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसको कहते हैं एवोल्यूशन। बैक्टीरिया फंजाई को प्लांट्स के साथ रखा गया था, फॉर टू किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया और फंजाई को प्लांट्स के साथ रखा गया था। ये हमारे साथ अलग किंगडम में आते हैं, किंगडम प्लांट में नहीं आते, तो ये हमारे साथ इस पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, मतलब कि ये यहाँ पर पौधों के साथ बिलोंग्स नहीं करते। बैक्टीरिया फंजाई ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, मतलब कि दूसरों से अपना खुराक हासिल करते हैं, और जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, तो ये हमारे साथ इस किंगडम में नहीं आते। हमारे साथ ये बैक्टीरिया और फंजाई, इनको टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक फंजाई में रखा गया था। फाइव किंगडम सिस्टम में, फाइव किंगडम सिस्टम को ऑर्गेनिज्म को सही तरह से डिवाइड किया, सही तरह से क्लासीफाई किया गया था, और सही तरह से उनको रखा गया था मुख्तलिफ ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में, उनको सही तरह से रखा गया था। किस बुनियाद पर, उनका ब्रेक्सिट ऑफ द बॉडी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर, इन सब की बुनियाद पर इनको सही तरह से डिवाइड किया गया था फाइव किंगडम सिस्टम में।